और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रशिया और ऑस्ट्रिया का दौरा बेहद सफल रहा। रूस और ऑस्ट्रिया दोनों देशों के साथ कई अहम समझौते किए गए। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने भारत को सबसे मित्र और साझेदार दोस्त कहा। वियना के सोफियन सेल में प्रवासी भारतीयों से संवाद करने पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। अपनों के बीच घिरे पीएम मोदी के साथ लोगों ने सेल्फी ली, उनका ऑटोग्राफ लिया। सैकड़ों लोग पीएम मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब नजर आए। इस मौके पर पीएम ने भी लोगों का अभिवादन किया। पीएम से मिलने पहुंचे कई लोगों के हाथ में उनकी तस्वीर भी थी। तिरंगा झंडा लिए लोगों ने वंदे मातरम के नारे लगाए। और वहीं ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए। भारत हमेशा शांति और समृद्धि की बात करता है। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। हम टॉप थ्री में पहुंचेंगे 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। भारत की तरह ही ऑस्ट्रिया का इतिहास और कल्चर भी काफी पुराना है, शानदार रहा है और इसका फायदा दोनों देशों को हुआ है। ये फायदा कल्चर में भी हुआ है और कॉमर्स में भी हुआ है।